स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जी गाइस, आज की वीडियो होने वाली काफ़ी है तो मज़ा, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है टेस्टी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज खाने का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे बैंगन थे या फिर आप कह सकते हो ब्रिंजल जो हमने उगाए थे, वो सारे मैंने उतार लिए क्योंकि इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे और एक थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया, मुझे लगा सड़ ही ना जाए, तो मैंने ये सभी के सभी उतार लिए। और अब देख लो ये बेचारे सारे उतर चुके हैं, इनको फ्रीज़र में या फ्रिज में जाकर मैं रख दूंगा और इनसे कुछ खाने को बनाएंगे किसी दिन हम। तो गाइस, आज हम फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले हैं और मैं ना सोचा था कि फ्रेंच फ्राइज हम बनाएं और उसे चॉपस्टिक से खाया जाए, क्योंकि चॉपस्टिक से खाने का मज़ा ही अलग होता है भाई। तो मैं ऊपर मतलब स्टिक्स लाने आया था, हमारे यहाँ पर छत पर स्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा छत से उठाते हैं। और अभी जो बैंगन या फिर ब्रिंजल कह लो वो मेरी जेब में है, तो यहाँ पे स्टिक्स पड़ी होती हैं काफ़ी सारी, तो मैं यहाँ अंदर से स्टिक्स भाई निकाल लेता हूँ। अरे ये देखो गाइस, इस टाइप की स्टिक्स पड़ी हुई हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसी को कट करूँगा, वॉश करके इन्हीं की चॉपस्टिक बना लेंगे हम, ठीक है। तो हम आज बनाऊंगा फ्रेंच फ्राई और काफ़ी मज़ा आएगा यार। मेरी थोड़ा जबान टंग पे ना, पता है क्या पंखा पड़ गया, छाला हो गया, तो उसकी वजह से सही से बोला नहीं जा रहा, पर आपका भाई फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो प्लीज़ और सपोर्ट कर दिया करो, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। और हमने स्टिक्स तो ले ली, अब सीधा नीचे चलते हैं, आलू पकड़ते हैं, आलूओं को छीलते हैं, आलू को काटते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। ये देखो गाइस, ये स्टिक है और ये साफ सुफ करके इससे हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे चॉप स्टिक्स के साथ। साथ में हमारे पास टमाटो केचप और मेयोनीज भी है, उसको लगा के हम खाएंगे मजे से। तो चलो गाइस, अब हम नीचे जाते हैं और मिलते हैं आपको फिर फ्रेंच फ्राइज बनाते टाइम। यार मैं क्या बोली जा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, आलू को पहले जाके धोते हैं, आलू तो पहले निकाले सही साइज के। चलो तो कहते हम किचन में आ चुके हैं और मैं जल्दी ही जाता हूँ आलू लेके आता हूँ। तो गाइस, मैं भागते भागते गया और भागते भागते ये चार आलू चूज करके आया हूँ, जो कि काफी बड़े बड़े हैं और इनसे काफी ज्यादा फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे। देख रहे चार हैं अपने और ये हम इस ट्रे में डाल लेते हैं, ट्रे में चार आलू हैं, तो एक दो तीन चार, तो गाइस इन चार को ट्रे में डाल दिया हमने। एक तो हमने चीज़ रेडी कर ली, फिर उसके बाद हम नाइफ से इसे कट कर लेते हैं, कौन सा ये वाला ठीक लग रहा है, नाइफ वाला इस समय से कट करेंगे। तो ऐसे गाइस मैंने ऐसे करके यहाँ पे कट डाला एक छोटा सा, और फिर भाई देखो गाइस कट गई इधर से, और दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये भी टूट गई, तो देख लो इक्वल हो गया। इससे थोड़ा सा मैं चाकू से सेट कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ी सी ये अच्छी लगे, ये ना लगे कि हम स्टिक से खाने लगे हैं। तो यहाँ पे वैसे मतलब हमारी यहाँ पे चॉपस्टिक्स मिलती थी, तो हमें खुद ही बनानी पड़ रही है, इसलिए भी काफ़ी बनाने का काफ़ी मेहनत का काम है यार ऐसी चीज़ें बनाना। तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब जापान या फिर हो गया अपना कोरिया, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये खाई जाती है, वहाँ पे तो मशीनों के थ्रू बनती है, पर हमें इतनी मेहनत करके बन रही है। तो इसकी टिप मैंने थोड़ी मतलब उसी की तरह कर ली, क्योंकि मैंने चॉपस्टिक्स से एक बार खाना खाया हुआ, जो मतलब मैं दिल्ली गया था एक बार, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमें साथ में चॉपस्टिक्स मिली थी, तो कुछ इस टाइप की थी। देख लो इसका फेस, तो मतलब इसको मैं सॉफ्ट कर दिया और इसे वॉश कर देंगे फिर से। और हम दूसरे वाले पीस पे आते हैं, तो अब दूसरे वाले को भी छीलना पड़ेगा। अरे यार सच
अचीवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो आ जा यार, इतना टाइम ना लगा प्लीज। तो हाँ, तो गाइस इसे भी हमने तैयार तो कर लिया और इसे थोड़ा बहुत छील देते हैं हम। ये देख लो, ये अपनी दोनों चॉपस्टिक्स हो गए रेडी। और मतलब ऐसे करके इससे हम अब फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। और देख रही हो, इसको इस्तेमाल करनी नहीं आती तो इसे हम साइड में रख लेते हैं, फिर इसे वॉश भी करना है अच्छे से। तो अब हम आलू पे आते हैं, आलू को वॉश करते हैं, उसके बाद काम करते हैं अपना शुरू जल्दी से। तो इसे वॉश कर लेते हैं जल्दी से। इसे वॉश कर रहा हूँ मैं इन सभी चीज़ों को। हेलो गाइस, वॉश हो चुके हैं अपने पोटैटो सारे के सारे, जल्दी से मैंने वॉश कर दिया। अब क्लॉथ लेके इन्हें थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। मेहनत करके इतने से फ्रेंच फ्राइज काट लिए हैं और मेरे से और काटे नहीं जा रहे भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन्हें काटना। तो इनकी एक मशीन आती है, वो वाली मैं कहूँगा घर पे कि वो वाली मशीन लेके आ जाएं, तो उससे फिर काफ़ी आसानी से कट जाएंगे। पर अभी तो मैं इतने बना पाऊँ और इतने ही फ्रेंच फ्राइज आज खाने को मिलेंगे। और बाकी दो आलू इधर ही हैं, दो पोटैटोस हमारे इधर ही बने हुए हैं और अब हम इन्हें पकाने का काम शुरू करते हैं। हो चुके हैं रेडी और मतलब काफ़ी मतलब मसाले मसूले पड़े हैं, थोड़े स्पाइसी भी हैं। और थोड़ा साइड पे करते हैं फ्रेंच फ्राइज को। ये हमारी चॉपस्टिक्स है और हम थोड़ी सी मेयोनीज लेते हैं। मेयोनीज मेरे पास पड़ी हुई है, वेबा की है, एगलेस मेयोनीज से देख लो, एगलेस मेयोनीज है अपनी। और थोड़ी सी तब ये देख लो गाइस, थोड़ी सी मेयोनीज डाल देते हैं हम। थोड़ी सी मेयोनीज डल गई हमारी और थोड़ी सी हमारे पास बड़ी बॉटल है केचप की, तो ये वाली केचप थोड़ी सी डाल देते हैं। और मतलब मेयोनीज और केचप को इकट्ठे मिक्स करते हैं थोड़ा सा। तो अरे यार सही साइडें कहाँ है इनकी, ये रही। बस ये हमारी चॉपस्टिक्स आ चुकी है हमारे हाथ में और ये हमारी केचप और साथ में मेयोनीज, इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ ताकि कुछ डिफरेंट फ्लेवर बन जाए हमारा। देखो ये मिक्स हो गए दोनों, कुछ मतलब अलग सा ही फ्लेवर बन गया। ओ, हम पहले अरे यार ज़बरदस्त है फ्लेवर, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैंने तो मेरे को मसालों का कईयों का पता भी नहीं था, मैंने सारे मसाले ऐसे ही मिक्स कर दिए, पर सीरियसली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। अजीब पे थोड़े से लग रहे हैं क्योंकि अजीब जीप पे मेरा थोड़ा सा वो छाला पड़ा हुआ है, पर फिर भी मतलब खाने से रुका नहीं जा रहा। और ये दूसरी साइड से खा रहा हूँ तो
जबरदस्त है यार, बट थोड़े स्पाइसी हो गए हैं। अभी देख लो, मैं आपको एक पीस उठा कर दिखाता हूँ जिसके ऊपर कितने सारे मसाले लगे हुए हैं। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना। इकट्ठे बहुत सारे उठाते हैं, सॉस में डिप करते हैं और खाए हम। गैस चॉपस्टिक से भी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो जी हाँ गाइस, फ्रेंच फ्राइज तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे और भी मेरे लिप्स के ये हिस्सों पे काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो गए हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।